एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ऐसे सुनाई दे रहा है ना सबको, सबको सुनाई दे रहा है। अच्छा वैसे तो कहने को लोग बहुत बहुत ताले बजाते हैं, मुश्किल मुश्किल। यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा, बहुत कम वक्त रहता है ऐसा, कभी बहुत लोगों को बहुत चीज़ें मालूम नहीं है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इस काम में है, जो नहीं है उनकी तो कोई बात नहीं है, जो है उनको नहीं मालूम है। बहुत सारी ताले लोग बजाते हैं बहुत मुश्किल मुश्किल। ताल मुश्किल नहीं होती है, उसके अंदर जो काम होता है वो मुश्किल होता है। तीन ताल में भी इतना मुश्किल काम हो सकता है जो दूसरे तालों में नहीं हो सकता। पहले तो मैं सभी ताले बजाता हूँ इसलिए ये कह सकता हूँ, वरना लोग कह सकते थे कि साहब आप दूसरी ताले बजाते नहीं इसलिए तीन ताल के लिए इतना कह रहे हैं। तीन ताल एक ऐसी ताल है जो हर लय में बजाई या गाई जा सकती है, जिसकी वजह मुझे नहीं लगता किसी को पता होगी, आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे तीन ताल के अलावा दूसरी कोई ताल का आप नाम लीजिए, झपताल। झपताल का जब आप आधा करते हैं तो पांच और आधा करेंगे ढाई फिर सवा, इसी तरह दूसरी ताल एक ताल को आधा करेंगे तब छः तीन डेढ़, कोई भी ताल में एक मात्रा बचता नहीं पूरा सिवाय तीन ताल के। तीन ताल में अगर आप आधे से आधा करता जाए आखिर में एक कंप्लीट मात्रा बचता है, इसी वजह से ये ताल हर लय में गाई बजाई जा सकती है। कोई दूसरी ताल को आप लय अगर बढ़ा देंगे तो वो तीन ताल या एक मात्रा बन जाती है, जैसे ती ती ना धी ना धी, तितिना धीना धीना, 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 तितिना, एक मात्रा बन जाता है। इसीलिए हर ताल का कहते एक धर्म है, मतलब उसकी एक लिमिटेशन है, एक लय है, उससे आगे पीछे जाएंगे तो ताल खराब हो जाएगा सिवाय तीन ताल के। ये तो रही एक ताल की बात। दूसरी बात मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो मैं आप गत बजा रहा हूँ जिसको मसीद खानी गत कहते हैं तीन ताल की, आप लोगों ने खूब सुना है, बहुत लोगों को सब करते हैं, लेकिन इसमें आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आमद किस किस तरह से इसमें काम हो सकता है। बहुत से लोग इस ताल को अवॉइड करते हैं, ख़ास तौर से मत ये विलंबित तीन ताल, क्योंकि बहुत लंबा साइकिल है, अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो इसको ठीक करना मुश्किल होता है, इसलिए ये बहुत मुश्किल है इसको अच्छे से इसको निभाना। तो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए किस तरह से मैंने इसमें आमदों का इस्तेमाल किया। ये तो बुज़ुर्गों की चीज़ है, इसको बस मैं पेश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत स्कोप है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।
Thank you.